इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे DRDO के वेरी शॉर्ट रेंज ADS के बारे में बात करेंगे। विश्व रेड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको अभी कुछ देर पहले ही टेस्ट फायर किया गया है ओडिशा के ITR से। तो यहाँ पे जो फायरिंग कंडक्ट हुई है वह ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर से कंडक्ट की गई है। विश्व रेड को लेकर हमने अभी कुछ दिन पहले ही बात की थी कि इसका जो एक मॉडल है वो विंड टनल टेस्टिंग के लिए जा रहा है, तो प्रॉब्ली एक जो मॉडल है वो आज टेस्ट फायर किया गया है और कुछ जो ट्विकिंग रिक्वायर्ड होगी प्रॉब्ली उस मॉडल की जो तैयारी है वो पिछले टेंडर में चल रही थी। आज की फायरिंग कंडक्ट किए जाने के बाद जो पिक्चर्स रिलीज हुई है उसकी बात करोगे, जिसमें जो सिस्टम है वो आपको क्लियरली डुअल पल्स रॉकेट मोटर सिस्टम दिख रहा है, उसी कॉन्फ़िगरेशन में दिख रहा है जो इसे मिलता जुलता सिस्टम है, उस पर DRDO ऑलरेडी काम कर चुकी है। जो अरेंजमेंट है वो आपको नाग की तरह दिखेगा, DRDO की नाग की तरह। यहाँ पर सिस्टम में फायरिंग के बाद जो सेपरेशन है मोटर का वो भी आपको दिख रहा है। टेल पे यहाँ पे जो फिन है वो आपको एक्चुएटर कंट्रोल लग रहे हैं और इसके मिड बॉडी पे जो विंग्स हैं वो भी दिए गए हैं। तो सिस्टम काफी अजाइल होने जा रहा है और जिस तरह की लेंथ है और बूस्टर के यहाँ पे नोजल दिख रहे हैं तो कहीं नहीं कि जो इसकी रेंज है वो 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के बीच में आप उम्मीद कर सकते हो। तो प्राइमरली इसको ग्राउंड फोर्सेस के लिए डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे वो शोल्डर पे कैरी करके इसको फायर कर पाएंगे, किसी भी लो ऑल्टीट्यूड टारगेट को, स्पेशली जो हेलीकॉप्टर्स हैं उस तरह के टारगेट को हिट कर पाएंगे। लेकिन ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में जो दूसरी माउंटिंग है वो भी आपको देखने को मिलेगी, और आप चाहे इसको आर्मर्ड व्हीकल पे माउंट कर लो, किसी मिलिट्री व्हीकल पे माउंट कर लो, शिप पे माउंट कर लो, या फिर हेलीकॉप्टर से फायर कर लो। तो जिस तरह का अरेंजमेंट हम देखते हैं MBDA के मिस्त्रल के साथ, जहाँ पे जो वेरियस कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो व्हीकल का हो, शिप का हो, या फिर हेलीकॉप्टर का हो, तो ठीक वैसा ही जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको इस डिजाइन से लग रहा है कि जो DRDO का सिस्टम है वो अप्लाई कर पाएगा। मिसाइल सिस्टम पे दिए गए कंपोनेंट की बात करोगे, सेंसर्स की बात करोगे, तो कुछ ये जो अरेंजमेंट है वो आप पॉइंट आउट कर सकते हो, जो कि ऑफिशियल प्रेस रिलीज में भी लिखा गया है कि जो इसका लॉन्चर है उसको स्पेशली डेवलप किया गया है, कॉम्पैक्ट रखा गया है, लाइट वेट रखा गया है। फायर होने के बाद जो एक लॉन्च मोटर है वो सेपरेट हो जाता है आपके सिस्टम से। लॉन्च मोटर के आगे जो फिन्स है वो एक्चुएटेड आपको दिख रहे हैं। फिर जो आपका कॉम्बिनेशन है डुअल पल्स मोटर का सस्टेनर के साथ वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। रही बात बूस्टर नोजल की, तो अभी इसको मैं बूस्टर नोजल नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ऑफिशियल प्रेस रिलीज में ये भी लिखा गया है कि जो एक रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम है RCS, उसका एक मिनिएचराइज वर्जन यहाँ पे टेस्ट किया गया है, और ये एक नई टेक्नोलॉजी है स्पेशली एक छोटे स्केल पे, क्योंकि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हो अपने ASAT जैसे वेपन में, या फिर जो भी आपके रीएंट्री व्हीकल है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन जो इसका एक छोटा वेरियंट है वो यहाँ पे डाला गया है, जो कि आपको हेल्प करेगा मनूवरिंग टारगेट को क्विकली हिट करने में। इस तरह की टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल थ्रस्टर दिए गए होते हैं बॉडी के पेरिफेरी पे, और ये जो मल्टीपल थ्रस्टर होंगे इन सभी को आप कंट्रोल कर सकते हो, जिस तरह की भी आपकी पिच रोल और यॉ की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो रोटेशन है, ऑल्टीट्यूड है, ये जो थ्रस्टर है वो मेंटेन कर पाते हैं, आपको दे पाते हैं। तो प्रॉब्ली ये जो RCS की जगह है रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम की वो अभी इस पिक्चर में क्लियर नहीं है, तो हो सकता है ये जो नोजल है इन्हें को एक कंट्रोलेबल बना के RCS के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हो। अदरवाइज इसको लेकर जो प्राइमरी थॉट है कि प्रॉब्ली ये बूस्टर नोजल्स हैं। आगे बढ़ोगे तो जो मिड बॉडी विंग्स हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं, उसके आगे आपको वॉरड मिलेगा, फिर जो सेफ्टी और आर्मिंग मैकेनिज्म है वो मिलेगा, फिर उसके आगे जो मल्टीबैंड IRC का है वो प्रॉब्ली यहाँ पे आपको देखने को मिले, स्पेशली जो UV स्पेक्ट्रम होगा वो यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी। फिर जो एक प्रोब है जैसे कि आपको इगला में दिखता है वैसे ही। जहाँ तक बात है RCS के जगह की इस सिस्टम में, तो वो प्रॉब्ली इस जगह पे आमतौर पर दिया जाता है मिसाइल के फ्रंट बॉडी पे। तो जिस तरह का यहाँ पे स्पॉट दिख रहा है, तो पहले यहाँ पे जो मेरा थॉट था कि जो प्रॉब्ली रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो यहाँ पे दिया गया हो, अगर यहाँ पे एक इससे अच्छा रेजोल्यूशन का पिक्चर मिलता है तो वहाँ पे ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग सिस्टम है और इसका जो इंतजार है वो काफी समय से आप कर रहे थे, क्योंकि अगर आपने इसका जो डेवलपमेंट है एक बार कंप्लीट कर लिया तो इसके जो मल्टीपल ब्रांचेज हैं, जो मल्टीपल वेरिएंट हैं, उससे भी आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ऑफिशियल रिलीज की बात करते हो तो दो जो सफल ट्रायल हैं, फ्लाइट ट्रायल वाज कंडक्ट किए गए हैं, जहाँ पे मिसाइल ने लो अल्टी टारगेट को न्यूट्रलाइज किया है, और ये जो RCS की टेक्नोलॉजी है सफलतापूर्वक यहाँ पे प्रूव की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।